जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं लेकिन रोवा लोग समझे नहीं रहे। समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय, महोदय हम तो बस यही चाहते, आप बताइए आप, हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी क्योंकि पार्टनर को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो ऐसे लोगों को, निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं। नियत बात नहीं। अभी तो कुछ कह ही नहीं। अब मैं समय महोदय निकलता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय हमारा समय सब ले जा रहे हैं। क्या अनपार्लियामेंट्री? अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष ने बैठो ना। दुनिया की सबसे बड़ी संगठन आरएसएस है, दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन आरएसएस है। उप मुख्यमंत्री जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के संजय जी माननीय अभिभाषण पर शांति बनाए रखे। अभिभाषण पर अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज सदन में विमर्श हो रहा है और धन्यवाद प्रस्ताव पर हम सब विमर्श कर रहे हैं। आप अपने समय बोलिए। नेता प्रतिपक्ष जी ने मतलब कुछ भी मतलब हमारा आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऐसी राष्ट्रवादी संस्था है जिसके सदस्य होने में हम सब गौरवान्वित हैं। आज भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य शांति बनाए रखे बैठ जाइए। और हम सबों को गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और ऐसी राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन परिसर की टिप्पणी उचित नहीं है, इसे कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाए और संघ पर टिप्पणी हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय एक सदस्य ने जो टिप्पणी की है वो सदन के बाहर की है, कुछ सदन में माननीय एक सदस्य की टिप्पणी नहीं आई है और उस पर आपने उसका स्पष्टीकरण भी ले चुके हैं। ठीक है, बढ़िया, सभी शांति बनाए रखे। बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणी गलत है, इस तरह की टिप्पणी सरासर गलत है। ऐसे संगठन पर टिप्पणी करना सरासर गलत है। शांति बनाए रखे बैठ जाइए।